ये दोनों क्वेश्चन सीपीओ मेंस के पेपर में आए 2013 में। अगर मान लो कहीं पे केवल इतना सेंटेंस लिखा हो द पासपोर्ट हैज योर फोटो, तो हम मानेंगे ये फैक्ट है, कोई बता रहा है कि पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो है, फैक्ट हो गया। ट्रू स्टेटमेंट जो होते हैं उनको हम फैक्ट कहते हैं। अब अगर हम पूरा इतना पढ़ें, इट इज इंपेरेटिव दैट द पासपोर्ट हैज योर फोटो, तो यहाँ पे जो इंपेरेटिव वर्ड है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मीनिंग हमें क्लियर होगा इंपेरेटिव का, तभी पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इंपेरेटिव का मतलब कौन बच्चा बता सकता है? नेसेसरी। इंपेरेटिव का मतलब समथिंग विच इज मैंडेटरी, नेसेसरी, ठीक है, अर्जेंट। तो अगर हम लिख रहे हैं इट इज इंपेरेटिव दैट द पासपोर्ट हैज योर फोटो, तो क्या वो द पासपोर्ट हैज योर फोटो अभी भी फैक्ट है? वो एक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर केवल इतना लिखा हो द पासपोर्ट हैज योर फोटो, तो हम इसे मान लेंगे फैक्ट कि पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो है, हम बता रहे हैं किसी को, फैक्ट है। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए इट इज इंपेरेटिव, तो इट इज इंपेरेटिव का मतलब इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि पासपोर्ट पर तुम्हारी फोटो, तो इसका मतलब हम ये नहीं बता रहे कि फोटो है या नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हो, ये नेसेसिटी है जिसे हम यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं, ना कि फैक्ट को। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या हो गया? नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। अगर ये नेसेसिटी हो गया, तो इसके लिए जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो कौन से मूड में लिखी जाएगी? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कोई भी हो। अब बेस फॉर्म हैज होती है, हैव। जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, जो मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फॉर्म लिखते हैं ना, वो बेस फॉर्म होती है। हैव जो है ना, ये मैं अलग से बता, बेस फॉर्म किसी को बताने की जरूरत है? किसी को एक कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि हैज बेस फॉर्म क्यों नहीं है, हैव क्यों है? हैव, हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, वो बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म जो है वो हैव। तो जब भी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखते हैं, तो वर्ब की हमेशा वहां पर यूज होती है बेस फॉर्म, सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कोई भी। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन सीपीओ मेंस के पेपर में आए 2013 में। ये दोनों क्वेश्चन सीपीओ मेंस के पेपर में आए 2013 में, ठीक है। नेट पे सर्च करोगे तो मिल भी जाएंगे, दोनों एक ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और सीक्वेंस में आए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था उस पेपर का, ये 6 था, कॉन्सेप्ट सेम है। अब जैसे हमने लिखा था केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट, अगर मान लो हम केवल इतना लिखें ही इज प्रेजेंट, तो सही है गलत? सही। हम क्या मानेंगे अगर कहीं पे ही इज प्रेजेंट लिखा हो इसे? तो फैक्ट कि कोई पर्सन कहीं पर है और हम ये बात बता रहे हैं कि वो वहां है, ही इज प्रेजेंट। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे मेन क्लॉज को साथ में लेकर ध्यान में, द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट, तो क्या समझ में आएगा कि ही इज प्रेजेंट फैक्ट है या रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट। द केस डजंट रिक्वायर मतलब जो केस है उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं कि वो आए, तो हम ये नहीं बता रहे कि वो यहां प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हम फैक्ट नहीं स्टेट कर रहे, हम क्या स्टेट कर रहे हैं? एक रिक्वायरमेंट कि ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको आना पड़े, ठीक है। तो जो लिखा गया स्टेटमेंट है किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? रिक्वायरमेंट को, फैक्ट को तो नहीं कर रहा, ओपिनियन को भी नहीं कर रहा, क्वेश्चन को भी नहीं कर रहा, ये एक्सप्रेस कर रहा है एक रिक्वायरमेंट को। अगर वो लिखा गया स्टेटमेंट एक रिक्वायरमेंट का एक्सप्रेशन है, तो जो उसमें हम वर्ब लिखेंगे वो कौन से मूड? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन सी होती है? बी। इज एम आर वॉज वर है ना, इनके सबकी बेस फॉर्म भी होती है, तो हम लिख देंगे द केस डजंट रिक्वायर दैट ही बी, मतलब केस में ऐसी जरूरत नहीं है कि वो आए। हिज प्रेजेंस ना नाउन है, अब मूड वर्ब की फॉर्म होती है, नाउन की तो होती नहीं है। हाँ, और कैसे लिख दो द केस डजंट रिक्वायर हिज प्रेजेंस,